ठीक है, व्हाट्सअप वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अभिषेक। और गाइस, अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि दिल्ली का है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इससे बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि इतने दिनों बाद क्यों व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उसके कुछ जेन्युइन रीजन थे, जो कि मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताऊँगा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया से यूक्रेन के लिए थ्रू पोलैंड दुबई होते हुए। तो अभी मैं इस व्लॉग में पूरी अपनी जो जर्नी है इंडिया टू यूक्रेन, और फिर इंडिया से मैं पहले जाऊँगा दुबई, दुबई से जाऊँगा पोलैंड, एंड देन फ्रॉम पोलैंड बाय बस टू यूक्रेन। तो ये सारी जर्नी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। फिलहाल मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दिल्ली के टर्मिनल 3 पे। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो मेरे बारे में जानते हैं, जो मेरे कुछ नए व्यूअर्स हैं इस पे, उनको मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 5th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ, जो कि यूक्रेन से अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में, क्राइसिस वाली सिचुएशन में यूक्रेन जाने का जो डिसीजन मेरा है, उसको कोई जेन्युइन रीज़न होगा जिसकी वजह से मैं अभी वहाँ का जाने का वहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में भी अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा। हो सकता है ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में भी कर सकता हूँ। और इससे रिलेटेड जो भी ट्रैवल से रिलेटेड, जो कि मैं अपनी जर्नी कैसे कवर की, मैंने कैसे सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम था वो किया, वो सब आपको मैं धीरे धीरे बताता जाऊँगा। मेरी जो फ्लाइट है वो गेट नंबर 17 पे लग रही है। आई थिंक बोर्डिंग भी होने लगा। हमारी जो फ्लाइट का टाइम है वो है 9:50 का, और अभी 9 बज चुके हैं। सो बोर्डिंग का टाइम ऑलमोस्ट हो चला है। गाइस, ये हमारे सामने है एमिरेट्स की बोइंग 777, दुबई की फ्लाइट जो कि बोइंग 737। बोर्डिंग प्लान है वो 3x3 का है। आई थिंक अंदर चल के कन्फर्म हो जाएगा। एंटर करते हैं, कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। साढ़े 3 घंटे का था, लेकिन टर्मिनल काफ़ी दूर दूर थे, तो हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे टर्मिनल तक पहुंचने में ही लग गए। और उसके बाद थोड़ा बहुत हमने इधर उधर घूमा। गाइस, अभी बोर्डिंग शुरू हो गई है और अभी हम जा रहे हैं बोर्ड करने अपनी पोलैंड की फ्लाइट के लिए। क्लियर हो गया, अब जा रहे हैं बैगेज कलेक्ट करने अपने। एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इन्होंने पूछा नहीं। यहाँ पे बस सिंपल सी चीज़ें पूछी, आप यूक्रेन जा रहे हो? हमने बोला हाँ, और इन्होंने यूक्रेनियन हमारा जो वीज़ा है जिसे कोस्ट का बोलते हैं वो चेक किया। एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि जो आपका यूनिवर्सिटी लेटर होगा वो ज़रूर रख लेना अपने पास, वो दिखाना होता है यहाँ पे। बस इतना देखा, फिर उन्होंने अलाउ कर दिया।